बड़े वाले कूलर को अनबॉक्स किया, फिर हमने उससे छोटे कूलर को अनबॉक्स किया, लेकिन अब तो हमने मंगवा लिया है छोटा कूलर। काफी प्रीमियम बॉक्स हमारे पास आया था। चलिए जल्दी से बॉक्स से अपना सामान बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा है। ये थर्माकोल इसको फेंकते हैं। भाई सब ये रहा हमारा कूलर गजब का कच्चा, इसको अब साइड रखते हैं। माल मटेरियल हमारा ये रहा। तो फाइनली ये रहा हमारा मिनी कूलर। ऑरेंज और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आवाज ही आ रही है। पॉली पॉर्पिलाइन की बॉडी मिलती है, उतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आपको एक वायर देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा लंबा है। वायर ओवरऑल सही है, एवरेज टाइप का है। दो नॉब देखने को मिलता है जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे। एक स्विंग का ऑप्शन है जिससे ये इधर उधर घूमेगा। नीचे की तरफ एक यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिलता है जिससे जाहिर सी बात है हम यहाँ पर अपना फोन चार्ज कर पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको रखने के लिए कुछ रबर के पैड भी दिए हुए हैं जिससे हम इस कूलर को कहीं पर भी रख पाएंगे, जैसे कि टेबल पे हो गया। और अगर आप अंदर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक मोटर है जो कि 70 वाट का है। यहाँ पर आपको कोई भी फैन देखने को नहीं मिलता है। ब्लोवर लगा हुआ है पीछे की तरफ से जो कि दिखता है। यहीं से जो एयर है वो यहाँ पर लेगा अंदर की ओर और बाहर से ठंडी ठंडी हवा देगा। इस तरफ का जो पैनल है वो क्लोज है, इसी तरफ का जो पैनल है वो यहाँ पर ओपन करके दिया गया है, क्योंकि जो हवा है वो ज्यादा तेज की तरफ निकले और एयर थ्रो है वो ज्यादा दूर तक जाए। एयर थ्रो की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं 15 फीट का एयर थ्रो कंपनी जो है वो क्लेम करती है। चेक तो करेंगे ही कितना है कितना नहीं। यहाँ पर आपको एक हैंडल भी मिलता है जिससे हम कैरी करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ये पोर्टेबल कूलर है, मिनी कूलर है, इसकी वजह से हम इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और हाँ, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, प्यारा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लोअर है, फैन नहीं है, जिसकी वजह से जो नॉइस है वो थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा। वो तो पता चलेगा जब इसको हम चालू करेंगे। हाँ, दिखता कूलर जैसा है, काम भी कूलर जैसा ही करेगा, बस हाँ पानी नहीं भर सकते भाई साहब। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलता है। पहला है हाई, मीडियम, लो। हाई वाले ऑप्शन पे करके देखते हैं। तो ये आ रही है इसकी हाई। एयर थ्रो इसका बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो रुक नहीं पा रहा है। जो बॉक्स है वो इससे बड़ा है लेकिन फिर भी ये इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। तो भाई साहब बॉक्स जो है वो तो टिक नहीं पा रहा है। चलिए एक लेवल और गिराते हैं और थोड़े मीडियम बेस में इसको चालू करते हैं। तो ये है इसका मीडियम पेस। और मीडियम में अगर हम बॉक्स को खड़ा करें तो मीडियम पेस में जो बॉक्स है वो रुक गया है। एयर थ्रो है मीडियम का भी, वो भी अच्छा है। अगर मैं अपने सामने रखूं तो भाई साहब कमाल है, एयर थ्रो अभी भी गजब है। और लो में मैं आपको बताऊं तो अच्छा खासा ठंडा हवा दे रहा है। अगर आप इसके सामने बैठे हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा ठंडा कर देगा। और मैं आपको बताऊं ये एक मिनी कूलर है तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ आपको हवा देगा, पूरे रूम को ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि ये मिनी कूलर है और पानी भी नहीं है इसमें। इस वाले नॉब को भी ऑन करें तो इसका जो स्विंग मोड है वो यहाँ पर चालू हो गया है। और अब यहाँ पर ये जो मिनी कूलर है वो 120 वाइड एंगल में पूरी तरीके से हवा देगा जो कि काफी ज्यादा वाइड है। अगर आप इस मिनी कूलर के सामने 4-5 लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और इसको टेबल के ऊपर रखा हुआ है, 4-5 लोग आराम से हवा खाएंगे। अगर हम इसकी नॉइस की बात करें तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। इसका जो नॉइस लेवल है वो तो आपने सुन लिया होगा, मेरी आवाज भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी वो आप बताइएगा। हालांकि इसी के हिसाब से आपको इसका नॉइस का भी पता चल गया होगा। नॉइस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैन नहीं मिलता है, ब्लोअर है इसके अंदर, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब एयर थ्रो इतना अच्छा दे रहा है तो नॉइस तो देगा थोड़ा सा। पर्सनल अगर आप कोई फैन खरीद रहे हो या फिर कोई कूलर खरीद रहे हो जिसमें पानी नहीं भरना है आपको, पानी जो है वो भरना रोज रोज झंझट भी रहता है, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, सिर्फ आपको एक ऐसा टावर फैन खरीदना चाहते हो जिसमें आपको एयर थ्रो अच्छा मिले और वो छोटा रहे, तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये मिनी कूलर होने की वजह से इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि छत पे ओपन एरिया रहेगा तो वहाँ पर आपको जो हवा है वो भी ठंडा मिलेगा। किचन में खाना बना रहे हैं तो उस वक्त भी ये काम आएगा, बाथरूम में नहा रहे हैं तो उस वक्त भी काम आएगा, हर जगह लिविंग एरिया हर जगह आप इसको लेके जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 2000 के बजट में। देखा जाए इसकी क्वालिटी अच्छी है, परफेक्ट है, आपको बाय करना चाहिए। बाकी इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।